थैंक यू, आप सबने जो भी कहना था बोल दिया, तो मेरे लिए लास्ट में कुछ रखा है। लेकिन मैं ये कहूँगा, एक दिन मैं दो साल पहले मैं बैठ के मैं मेरी फिल्म लिख रहा था खिड़की के पास, और मैं वहीं पे कुछ टाइपिंग कर रहा था और मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि वी वुड लाइक यू टू बी पार्ट ऑफ अ फिल्म विच इज अबाउट चाइल्ड लेबर। तो मैंने देखा और मैं मुझे थोड़ा टाइम लगता, आप आज भी जानते टाइम लगता जवाब देने में व्हाट्सएप पे। फिर से फ्लैश हुआ वही, तो मैंने एक हाथ से जवाब दिया, आई थिंक आई जस्ट रोट डन, आई डोंट नो व्हाई, मुझे मालूम नहीं मुझे बहुत टाइम लगता है जवाब देने में, मेरी बीवी फोन करती है तो तब मैं तुरंत जवाब देता हूँ इसके अलावा, लेकिन मैंने बोला डन और तुरंत ब्रह्मानंद का फोन आया, ओ थैंक यू बोला, या डन, आर यू श्योर, आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। और मैंने कहा कि कितने दिन कहां पे शूट करना है, बात मुझे कुछ पता नहीं था कि इस फिल्म, इट इज अबाउट चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स एट दैट पॉइंट। आई स्टिल रिमेंबर वन लाइन फ्रॉम योर रिस्पांस मैसेज कि आई वांट टू डू दिस फिल्म इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स एंड आई एम नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट माय पोजीशनिंग इन द फिल्म, दैट वाज योर वर्ड्स एंड आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। और जब मैं इनको जिस दिन हम शूट कर रहे थे एंड ही वाज सपोज टू कम फॉर हिज शेड्यूल फ्रॉम द नेक्स्ट मॉर्निंग, आई वाज नॉट एबल टू गो एंड मीट हिम और रिसीव हिम दैट डे। मैंने पूछा, मैं रूम में गया और मैंने वो लड़की को पूछा एसी ऑन करो ना यार, बोला ऑन ही है, बोला नहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो उसने खिड़की खोली एसी किया है और जहां जहां पे गए हैं और रुके हैं और रहे उसके सामने ये तो प्रेसिडेंशियल स्वीट जैसा लग रहा था मुझे सचमुच। और फिर मैं शूटिंग पे गया दूसरे दिन सुबह और मेरे कान में ब्रह्मानंद आके कह रहे किसी को बताना नहीं आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो क्या बोलूं, मैं धूल खाने थोड़ी आया हूं यहाँ पे। बोला नहीं थोड़ा यहाँ पे रिस्की है। तो बोला मैं कहाँ फंस गया, मैंने डन बोल दिया तो ये डन ही हो गया, तो मैं कहाँ फंस गया। मतलब आई एम जोकिंग, ऑफ कोर्स आई एम जोकिंग, मैंने ऐसे सोचा नहीं था, लेकिन मैं ऐसे सोच तो आती है ना यार, तो बोला ऐसे उन लोग देख रहे कि कोई, तो मैं देख रहा हूँ सचमुच व्हाट्स गोना हैपन, कोई आके तोड़ फोड़ तो नहीं करे, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे ना सेट पे, तो कैन यू इमेजिन, मैं मुझे मालूम नहीं था कि ये क्या होने वाला है यहाँ पे, ये मिर्जापुर क्या जगह है, कितनी धूल है मिर्जापुर में कि पूछो, इतनी धूल, जितने आसमान में जितने तारे उतनी धूल मिर्जापुर में, सॉरी बोलना नहीं चाहिए, सॉरी ऐसे हमारा देश का एक हिस्सा है, इट्स वेरी डस्टी प्लेस। और I said to myself, ये तो मुझे मालूम नहीं था मैं पहुंच गया, अगर मालूम होता तो आई डोंट नो, लेकिन कैलाश जी ये सब जानते हुए भी एक टाइगर की तरह घुस जाते इस जगह में और बच्चों को बॉन्डेड लेबर से बचा के बाहर लेके आते। मैंने इतने सारे इंटरव्यूज मैंने लाइफ में कभी नहीं दिए, लेकिन कैलाश जी के बारे में मैंने इतने बहुत इंटरव्यूज दिए, बहुत बोलते जाता था, आखिर में someone said, so what is he? I said, he is like a true life hero, आपने कहा जैसे, he's a true life, he is like Batman, he saves people, he saves children, he saves these beautiful faces. और मुझे ये इम्पैक्ट बाद में पता चला कि आई एम इन्वॉल्व विद टू बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ, लेकिन दो खास करके, एक है डॉन बॉस्को शेल्टर जो ऑफेंस और स्ट्रीट चिल्ड्रन को जहाँ पे रखते हैं, और मैं 10-15 साल से उसे वो ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता हूँ, और एक है आकांक्षा जो चिल्ड्रन अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन गेट अ गुड एजुकेशन, ओके, बट दिस ब्लू माय माइंड, ये तो एजुकेशन की बात तो दूर रह गई, ये तो इट्स नॉट इवन लाइक अ जेल, इट इज मच वर्स देन दैट, बिकॉज दिस चिल्ड्रन हैव लॉस्ट देयर एंटायर चाइल्डहुड completely, and we are sitting over here and we are only talking about it, and Brahmanand, thank you for making the movie and bringing this much awareness, and I think it is our duty
that if Kailash ji, the great Kailash ji, can do what he does in Brahmanand, in your own way you do what you do, hum kya kare? To do char din garmi mein. Aur bilkul sahi kaha gaya ki jab tak hum jama Bollywood ki baat kar rahe hain, बड़ी चुनिंदा फिल्में बनती हैं, या मैं तो कहूँगा बनती ही नहीं है. अब आई वॉन्ट एवरीवन टू टेक इट ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट. और जो स्टार कास्ट इस वक्त मौजूद है, चाहे मैं दिव्या की बात करूँ, मोमन सर की बात करूँ, तनिष्ठा की बात करूँ, या संजय सूरी साहब की बात करूँ, ये वो स्टार कास्ट है जो मुख्तलिफ फिल्मों में नजर आती है. और इसी तरह के सोशल मुद्दों में कैसे आप लोग सब एक ही जगह पहुंच जाते हैं, पहले तो ये जानना चाहूँगा. आई स्टार्ट विद संजय. I think जहाँ आपकी एक जैसे भवन जी ने कहा, आप अपने बच्चे को खोज रहे हैं, राइट? जब आप कुछ भी खोज रहे होते हैं, कुछ सीख कर रहे होते हैं, कोई चीज़ आपको मिलती है और वो आपका एक्चुअल चित्त होता है, जो आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं, और आप वही एडवोकेट भी करते हैं और आप अपनी ज़िंदगी भी वैसे ही जीते हैं, तो फिर चीज़ें आपको अट्रैक्ट करने लग जाती हैं. आप नहीं जाते कहीं पर, वो खुद कहते हैं ना, यू अट्रैक्ट, यूनिवर्स स्टार्ट्स कंस्पायरिंग, यूनिवर्स स्टार्ट्स कंस्पायरिंग. सो बचपन में सीखा नहीं था ये वर्ड कंस्पायरिंग? नहीं, एक्चुअली कंस्पायर तो बहुत दूर था, बट तो जो जैसे आपकी सोच या बदलने लगती है, या एक्चुअली अपने कोर से कनेक्ट होते हैं, फिर ऐसा ऐसा आपको वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाती हैं और खुद ही आपको वैसे मैसेजेस आते हैं और वैसे फिल्म मेकर्स भी आपको कांटेक्ट करते हैं, तो आप एक हिस्सा बन जाते हैं उस. तो कुछ देखिए, मैं अपने करियर का बोल सकता हूँ कि इसको कंपेयर कीजिए बुफे के साथ, ठीक है? कईयों को फुल बुफे मिलता है, स्टार्टर मिलता है, सैलड्स होते हैं, मेन कोर्स मिलता है, दाल, वेजिटेरियन में 4 ऑप्शन, नॉन वेज में 10-12 ऑप्शंस, फिर डिजर्ट में 5-6 ऑप्शंस. तो कभी कभी मेरे करियर में स्टार्टर भी खत्म हो गया था कभी कभी चीजें, या, तो, या खाते हैं वही भिंडी, या खाएं, या, अब हमने खानी वो दाल है, मुझे वो हजम नहीं होता वो मटन, तो फिर वही जो चाहिए वही मिल जाता है और किचन चल जाता है और आत्मा भी तृप्त हो जाती है. बस मुझे लगता है कि जो कहानियां हैं वो अपने किरदारों को ढूंढ लेती हैं. कंक्लूड कर दिया उन्होंने. तो संदेश, इट्स आल्सो कॉल्ड वर्किंग योर लाइफ नॉट बाय गोल्स बट बाय इंटेंशन. सो व्हाटएवर इज योर इंटेंशन, यू एक्चुअली समथिंग कम्स अप व्हिच सूट्स दैट. यस, यस, एंड आई हैव नेवर वरीड अबाउट गोल्स बिकॉज़ दैट जर्नी इज वेरी. आज भी हम जो हमने 20-30 दिन या 10 दिन मिर्जापुर में बिताया है, जो उनका भी तजुर्बा रहा, वो याद है. अब वो गोल तो वो तो आप आपका सफर मंजिल में है कि मंजिल सफर में, आप उसको समझ लीजिए. बोमन सर, आपसे पूछना चाहूंगा, अस्थाना से लेकर लक्की सिंह, जो किरदार आप जीते हैं, हम बोमन ईरानी को याद नहीं रखते, हम किरदार साथ ले जाते हैं. वीर शस्त्र बुद्धि, 3 Idiots की मैं बात करूं, वीर शस्त्र बुद्धि, कैलाश जी का किरदार निभाना, जो मैनरिज्म आप कैरी करते हैं, जब आपको लगेगा कि हाँ लक्की सिंह ऐसे ही बात करेगा, सरदार ऐसे ही बोलेगा, कैलाश जी को क्या आपकी कोई वर्कशॉप वगैरह हुई थी, क्या मुलाकात हुई और कितना मैनरिज्म उनका आपने सीखा, या इत्तेफाक नहीं हुआ हमसे मिलने का? बहुत सारे वीडियो देखे थे, जितने भी वीडियो आई थिंक यूट्यूब पे मैंने बहुत बार देखे, लेकिन मैंने एक्टिंग में एक चीज सीख लिया है कि हम मैनरिज्म्स में और बॉडी लैंग्वेज में और शक्ल और मेकअप या जो भी उनका लुक जो होता है, किसी भी किरदार का, उस पर ध्यान देंगे तो अंदर में जो बैठा हुआ इंसान जो है वो कभी भूल जाते हैं. तो वो सब तो ठीक है, वो तो गार्निश है, डेकोरेशन है. अगर मैं कैलाश जी की आवाज़ में अगर बात नहीं भी करूँ ना, और मैं कोई पतली आवाज़ में बात करूँ तो भी चल जाएगा. वो क्या कह रहे हैं और उनकी सोच क्या है, उनका वर्ल्ड व्यू क्या है, उनका स्पिरिट क्या है और उनका इंटेंशन क्या है लाइफ में, अगर वो समझ में आए ढंग से, तो फिर आप कुछ भी उनका इमिटेशन करो, आवाज निकालो, उनकी चाल, उनका बॉडी लैंग्वेज, कुछ भी, आप उसको इमिटेशन कहते हैं. हमें इमिटेशन नहीं करना है, हमें उस इंसान का जो स्पिरिट और सोल है वो प्रेजेंट करना है. तो
That's very important. Veeru Sahasrabuddha hai kaun aur uska body language matlab kisne dekha hai? We don't care. I don't know who the person is. I know what he thinks. Aur kya soch hai unki. Aur wo soch galat hai, sahi hai. Wo dhoondna hai hame. Aur Kailash ji ke bare mein to wo soch to pata hi hai hame. Pehle se hi. Aur maine teen Kailash ji dekhe hain usme. Teen Kailash ji, jitne bhi videos mein. Ek Kailash ji, jo Batman banke ghus jaate hain. और बच्चों को ऐसे चलो 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 it's like a I hate to use the word it's like a thriller action film it is like an action film जो भाग रहे बच्चों को खून से लथपथ कैला जी मार खाते और उनके जो हेल्पर्स हैं उनके जो वॉलंटियर्स हैं they're running from it's like an action film वो आपको स्टंट डायरेक्टर को दिखाएंगे कोई शूट करके दिखाओ नहीं कर पाएंगे it is that high powered action जो लोगों को निकालते हैं aggressively बात फिर एक जो है जो बच्चों के साथ बैठ के बात करते हैं ऐसे बात करते हैं जैसे खुद बच्चे दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ कैलाश जी थर्ड दैट आई द स्पिरिट दैट आई इज द स्टेट्समैन जो यहां पे या नोबेल प्राइज अवार्ड विनिंग 26 कंट्रीज वेयर ही वर्क्स वेयर वर्क्स जो बात करते हैं पब्लिक को और प्रेस को और उनकी जो वर्ल्ड व्यू है वो समझाते और लोगों को इंस्पायर करते देयर आर थ्री ग्रेट फेसेस of the great man kala to main unki imitation kya hai jitna bahut kar sakta hai maine kiya main itna bhi acha actor nahi hu lekin maine bahut koshish ki hai wo kar liya hai maine lekin if I pay attention to that I miss his soul and I did not want to risk missing his soul by doing an imitation of his voice my question is Brahmanand Singh how did you select the child actors and did you take auditions of many children and ये सारी चीजें हैं सो ऑडिशन का तो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं और हम भी ढूंढते रहते हैं तो उसमें से हमने बहुत लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था करीब 150 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था फिर उससे 28 को किया 28 से 12 को किया दूसरे से ये झलकी का रोल जो प्ले किया है आरती इसका probability of being jhalki was third or fourth in terms of the priority magar kahin na kahin wo jo 15 din ka jo workshop hum kar rahe the joyce and gupta rajul tiwari ye sab ke sath usme ye ladki upar uthte gayi aur aisa upar uthi ki hume pata chal gaya ki ye yahi hai jo kar sakti hai और आप उसको ऐसे देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा मगर आप अभी कैमरा चला दो और देखो वो बदल जाती है एकदम वो शी इज अ पावर हाउस परफॉर्मर एंड सेम थिंग विद द अदर लिटिल किड गोरक्ष सो ये दोनों को हमें बहुत ही प्यार से हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद वर्कशॉप करके जो एक दोनों ही लगभग मतलब शुरू के 2-3 दिन में थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगा पर एक बार कर गई तो 5-6 वीक का शेड्यूल और फिर उसके बाद उतना टेम्परेचर में काम करना बट क्या खूबसूरती से इन लोगों ने काम किया टैक्स फ्री यस सो टैक्स फ्री स्टेटस जनरली 2 वीक पहले अप्लाई करना पड़ता है फिल्म रिलीज होने से पहले और 1 वीक के बाद टैक्स फ्री एप्लीकेबल होती है पहले वीक में कहीं नहीं देते हैं तो वो हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और आप सबका साथ चाहिए जितना आप इसके बारे में लिखेंगे उतना हमें सपोर्ट मिलेगा तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 स्टेट में और संजय हैज सम थॉट्स अबाउट इट हाँ तो ये हम लगे हुए हैं थोड़ा सा चल रहा है अभी आई थिंक 1-1.5 वीक के बाद हम फिर से इसके पीछे पड़ेंगे फिल्म फेस्टिवल जाना आपको आश्चर्य हो रहा था लोग बोलते हैं कि जो फिल्म्स होती हैं वो समाज का आईना होती है क्या आपकी फिल्म से वो समाज का वो आईना दिखा पाएगी ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड लेबर के ऊपर क्या वो मानसिकता में बदलाव आएगी दूसरा सवाल ब्रह्मानंद जी से है जहाँ हर तरफ मसाला और एक्शन और हल्की फुल्की वो कॉमर्शियल फिल्में बन रही हैं उस जगह पर ऐसी फिल्में बनाकर वो कितनी बड़ी चैलेंज है कितना बड़ा चुनौती है कि दर्शकों को थिएटर तक लेके आने का सर आप पहले बताओ मेरा ये मानना है मैं ब्रह्मानंद जी का सवाल का जवाब दूंगा मेरा ये मानना है कि आई डू नॉट नॉक कमर्शियल सिनेमा आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि हम कमर्शियल सिनेमा ही बनाए एंड आई थिंक पीपल हिंदुस्तान में दो ही तो आउटलेट है पब्लिक के लिए, एक क्रिकेट है और एक सिनेमा है, और एक बहुत जरूरी है कि पीपल शुड गो टू द सिनेमा, हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड लाफ, गो होम, इट्स फाइन. विदाउट कमर्शियल सिनेमा आई फील वी मे नॉट बी एबल टू मेक स्मॉल मूवीज, एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल मूवी, इट्स अ बिग मूवी, बिकॉज द इम्पैक्ट दैट नीड्स टू मेक इट विल मेक इट, डज नॉट हैव टू बी अ ब्लॉकबस्टर टू मेक एन इम्पैक्ट. The impact is, we were talking to the fine lady over here, we need to make an impact to the people who need to see it, and I think that is what is the approach. So it's very important that samaj, aap jo keh rahe sahi keh rahe, but it does not have to be a blockbuster. Humne keh rahe ki ye blockbusters ko replace karni chahiye, hum keh rahe ki blockbusters ko bhi rehni chahiye. Everybody, there's a whole industry that is it's their survival, it's their rozi roti, aur usme koi burai nahi. Main har tarah ki picture karta hu. You do some for the kitchen and you do some for the soul, aur wo zaruri hai. Only kitchen acha nahi, only soul bhi acha nahi, kabhi kabhi kitchen bhi zarurat hoti hai. To so that I think answers both the questions if you want to add to it, but this film will make an impact. Sab log kal child labor band nahi hone wala, और एक अवेयरनेस है कैलाश सत्यार्थी के बारे में जो लोग कल 10 लोग जानते हैं, लाखों लोग जानते हैं आज. दैट्स ऑल, इट्स मेंट टू डू व्हाट इट्स मेंट टू डू. थैंक यू. मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि समाज का आईना तो हर फिल्म होती है, एक तरह से हर किताब होता है, मगर इस तरह की कुछ फिल्में जो कॉज लेकर कॉज को कहीं बैकड्रॉप पे रख करके आगे बढ़ती है, कहानी कहती है, तो सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखती है वो ये चीज़ है कि आप उस कहानी को कह कैसे रहे हैं. आप उसको एक थका हुआ आर्ट फिल्म बना करके 10 लोगों को दिखा रहे हैं, या आप उसको वही कहते कहते आप एक तारे ज़मीन पे बना रहे हैं. तो तारे ज़मीन पे भी एक कॉज रिलेटेड फिल्म है, एक मैसेज है, मगर उसको देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग तैयार हैं. तो उस तरह का मेरे ख्याल से जो भी एक सीरियस फिल्म, मतलब इट शुड बी मच मोर देन एंटरटेनमेंट. हमारा कंपनी का लोगो ही वही है कि इट शुड बी एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट होगा तभी लोग आकर के देखेंगे. अगर आप कहानी अच्छे तरीके से कह रहे हो इन एन इंटरेस्टिंग एंगेजिंग वे, तो 10 के ज्यादा. एंटरटेनमेंट डजंट नेसेसरीली मीन मसाला. करेक्ट, एग्जैक्टली. इट शुड मूव यू, इट शुड मेक यू स्माइल, इट शुड मेक यू लाफ. बिल्कुल, इट शुड मेक यू लाफ, मेक यू क्राई, मेक यू स्माइल. And it should spur you to do that one thing extra after. You should be a changed person after 1.5-2 hours that you have come to the theater. That if any film manages to do, and if the movement that any film continues to do after that, आपको एक 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 थोड़ा सा एक अलग इंसान बना देता है, तो I think that's the kind of films that we are trying to do here with this film. So I don't know if I've answered your question, magar yes, sir. This is how normally. If I may, with your permission, sir, on stage pe producers and directors and music and actors sab hai. Lekin film ke, I would like to invite the stars of the film on stage, if you don't mind. Yes, that's right. Little louder applause for the two people. Yeah. Agar ye nahi hote, to hum bhi nahi hote. Please come on stage. टेलीविजन इंडस्ट्री और द एड इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री वेयर सो मेनी चाइल्ड आर एम्प्लॉयड एंड यू नो आर सो क्यूरियस टू मेक अ करियर इन एक्टिंग. Especially in the TV industry, man, so long working hours for the children. Do you feel it practical as such? It's a very valid question. I just went for something UNICEF or Crikey. ऐसे इसी मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे थे और अमोल गुप्ते मेरे साथ थे. और एक बहुत valid point उठाया गया था कि जब television करते हैं उनके, एक तो working hours बहुत ज़्यादा होते हैं, कई बार मालूम नहीं होता कि कितना वक्त लग जाएगा. Creative field में you never know कि कितना वक्त लग जाएगा. दूसरी बात ये, खासतौर पे जब रियलिटी शोज़ करते हैं तो स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है बच्चों पर. टू परफॉर्म, पीयर प्रेशर, माँ बाप, वो जो जजेस बैठे हैं, ऊपर से जो मार्क्स आएंगे, तो वो सब, और प्लस थकाने का काम जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं,
कितना रिहर्सल कर रहे हैं, फिर बच्चे को पढ़ना भी है, फिर थोड़ा सा रेस्ट भी कराना है. सो वॉट अमोल हैड वेरी राइटली सेड इज कि टाइम बांधना चाहिए. जैसे हमने स्टैनली का डब्बा शूट की थी, जब बहुत अच्छा लगा था मुझे, उन्होंने कहा था देखो तुम्हें कोई वैनिटी वैन नहीं मिलेगी, तुम स्कूल में बच्चों के साथ बैठोगी. स्कूल क्लासरूम मेरा वैनिटी था, तो बच्चों के साथ बैठती थी, उनके टिफिन में से ही खाना खाती थी, सो दैट दे डोंट फील आउट ऑफ प्लेस कि इसको कुछ खास ही ट्रीटमेंट मिल रहा है. सो आई यूज्ड टू सिट विद देम. हम लोग सिर्फ सैटरडे संडे शूट करते थे. ये टीवी में नहीं हो सकता ऑब्वियसली, लेकिन हम कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं. वन, वी कैन गेट अ साइकोलॉजिस्ट ऑन द सेट्स. कई बार पीयर प्रेशर हो, टेंशन हो, स्ट्रेस हो, कोई आके आपसे प्यार से ऐसे भी कर लेना, मैं अभी घर से आ रही हूँ, स्ट्रेस में आ रही हूँ बिकॉज सब गणपति की सब चीज़ें हो रही हैं, मेरे भाई ने सिर्फ मुझे ऐसे किया, आई वॉज फाइन कि ओके ओके अभी हो गया, सब ठीक हो गया. एक वो चीज़, एक बच्चों को आराम देना. उनका बचपन हमें नहीं छीनना चाहिए. हमें मालूम है परफॉर्मेंसेज ये सब बड़ा ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा वक्त उनका जो उन्हें चाहिए, वो शरारतें करने का, वो बाहर खेलने का, हर चीज़ हम बता देते हैं, सुनो ये तुम्हारा पढ़ने का टाइम, सुनो ये तुम्हारा परफॉर्मेंस का टाइम, ऑल दैट वी नीड टू जस्ट लेट देम बी फॉर अ बिट. ये चीज़ें अगर हम डाल दें, कोई कमिटी बैठे जो टेलीविजन के लोगों को, ना सिर्फ टेलीविजन, फिल्मों के लोगों को भी कहें कि बच्चों का वक्त बच्चों का, पढ़ाई का वक्त पढ़ाई का, फिर जो वक्त मिले उसमें वो लोग जो करें ऑफकोर्स करें. दिव्या, हमारे पीछे एक लाइन है पोस्टर पे, आई थिंक इट सेज इट्स सो ब्यूटीफुली व्हाट यू हैव सेड, द सेम थिंग, लेट एवरी चाइल्ड बी फ्री टू बी अ चाइल्ड, नो अदर क्वेश्चंस आस्क्ड, टू बी अ चाइल्ड, उनका हक है खेलने का, कूदने का, बदमाशी करने का, है ना गोरक्ष, बदमाशी करने का हक है ना. जी मुझे जो चीज़ मुतासर करती है मैं लिख देती हूँ, और इस वक्त मुझे लगता है बच्चे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रहे हैं हर वक्त, क्योंकि इनसे जो रॉ एनर्जी मिलती है ना वो अनपैरेलल्ड है. मैं जितनी नर्वस स्टैनली में हुई थी मैं आज तक नहीं हुई. सो बिकॉज मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं दी थी, उन्होंने कहा था बच्चों के पास पहुँच जाओ, जो करेंगे रिएक्ट कर देना. आई डिडंट इवन नो मेरी शूटिंग कब हो रही थी. इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, ये क्या रिएक्ट करेंगे, क्या एक्टिंग करेंगे, यू डोंट नो, एंड दैट्स मैजिक. और उसको जो करते हैं वो बहुत खूबसूरत होता है. आई मीन हम ही अलग लगते हैं इनके साथ काम करके. सो इनके बारे में लिखना, ऑफ कोर्स, आई मीन आई एम राइटिंग अ बुक व्हिच इज ऑन शॉर्ट स्टोरीज एंड इट श्योरली विल हैपन. तनिष्ठा, वन क्वेश्चन फॉर यू प्लीज. एक दो और सवाल लेकर के फिर हम इंडिविजुअल, आई थिंक साउंड बाइट्स, इंडिविजुअल साउंड बाइट्स विल बी आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है. तो हमारे साथ जो है वो रहेंगे बाहर. एक दो सवाल और हम ले लेते हैं. थैंक यू. Yes. Tanishta, in a couple of years, you know, we have seen a lot of cinema where you have played a very crucial role, be it a Hindi film or a Hollywood film. What do you feel that the connect that brings as an actor in such kind of cinema, especially if we talk about this particular film? I think, I mean, we've talked about all this, that, you know, the projects actually find us rather than us finding the projects. It's the universe conspires. For this particular film, like we've all talked about, that, you know, it's really about our childhood. And like I said before, that I think one thing, like, you know, there was a question that these films are competing with, you know, the blockbuster Bollywood films. And Boman very rightly said there's a place for every kind of cinema and every kind of storytelling. So it's not this versus that. But the other thing that I would like to also emphasize, which I said before, that we need to show our kids also these kind of films. We do not make films for children. So when Brahmanand actually told me, Tanvi and Brahmanand, that, you know, we are making a film about child labor, but this is the story. You know, I felt that this is, because usually what happens when we're making a film about child labor, it starts becoming about telling adults this is what happens in child labor. But this story, the way it was told, I just felt that kids can watch it and they get also aware that, oh, you know, we have this childhood, but there are other kids who don't. And I don't think it's a very heavy subject for them. They understand and they're far more sensitive actually than us. Like, I can see that with my own daughter, you know, the kind of questions that she asks. They're so mature and sensitive. So I think for me, this, the unique point for this film and to be associated with this film is that it is a film for children as well, and we need to tell our children different kinds of stories through different characters by making it a part of popular culture. That's the only way we will impact and make a change.
it's because adults sometimes we have already formed and formulated our personalities and our thoughts and ideas and our vision about the world. But kids are still forming. So we need to tell these stories to our children through pop culture. So, and I mean, like we use the example of Stanley Ka Dabba and, you know, other films which are also like, you know, they not only have characters as children, but they're also meant for children. I think we need enough in our industry, better and more films for children. And those stories are not only about fairy tales. The fairy tale also needs to say something which is progressive, which makes them grow up to be people who are more responsible towards society, and they are, you know, more gender sensitive, they know about environment, like, so I think cinema needs to be responsible about all that, and they know about their surroundings, they know about the society, about various kinds of things that are happening in society. And Tanishta, just ek aur cheez main jaldi se add karna, aur jhalki jo role kiya wo aur tumne khud mein kya similarities hai? जो बोलना है बोल दो इससे। हेलो, यूपी में बहुत गर्मी थी तो मुझे बहुत इरिटेट हो रहा था और उसका मेकअप भी मुझे नहीं पसंद। स्टार, मैंने बोला ना हम एक्टर ये स्टार। और जॉय सर ने कैसे तुम्हें आरती से झलकी बनाया, वो एक जर्नी है, याद है उन्होंने क्या बताया था कि झलकी क्या करेगी वो सोचो, और वही तुमने किया पूरा शूट में। Yes. Huh. Anyone ask questions? अरे ये बात yes. हाँ अरे yes. जल्दी पूछो भाई। अब कोई सवाल पूछो ही तो मैं पूछता हूँ गोरक्ष। तो जब इतनी बदमाशी तुम करते रहता था वहाँ पे उछल कूद impatience restlessness सब कुछ, कैमरा शुरू होते तुम कैसे बदल जाता था? तब मेरे मम्मी ने बोला था जब भी तू सेट पे जाएगा तभी पहले सर्स और कैमरास के पहले, मतलब जब भी वो रेडी बोलेंगे तो तू रेडी हो जाना, मतलब जो भी मम्मी बोलती वो मैं सुनता, पर मम्मी इतना प्यार करती है और पापा भी इतना प्यार करते हैं, इसके लिए उन दोनों के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ब्रह्मानंद सर। ये बड़ा हो गया। ये मम्मी का है तुम्हारी? मम्मी आई है या आपने से सिखा के भेजा?